लिए हमें चाहिए पनीर, सेवइयां बारीक वाला, कॉर्नफ्लोर, मैदा, जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर, लहसुन पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक। सबसे पहले एक बाउल में हम कॉर्नफ्लोर लेंगे। मैदा लेंगे हाफ कटोरी, आमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची पाउडर, ये भी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिए, काली मिर्च पाउडर, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। इसे हम मीडियम थिकनेस के साथ एक पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा पानी लेंगे, बैटर हमने बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ये है, ना बहुत ज़्यादा वाटरी है ना बहुत ज़्यादा थिक है, मीडियम है। इस सेवइयां का मैंने चूरा बना लिया है। इसे ऐसे हमने लिया और इसे इसमें ऐसे हाथों से क्रश कर लिया। देखिए ये चूरा तैयार हो गया। अब हम पनीर को लेंगे। और बैटर में डिप करेंगे। बैटर में डिप करके हम सेवइयां के ऊपर रखेंगे और इसके चारों तरफ से ऐसे कोटिंग करेंगे। ऐसे कोटिंग करेंगे। बाकी के सारे पनीर को भी हम ऐसे कोट कर लेंगे। हमने पनीर को सेवइये में अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब एक एक करके हम तेल में डालेंगे। तेल हमने गरम कर लिया है। आराम से डालेंगे। गैस का फ्लेम लो कर लेंगे, अदरवाइज सेवइयां जलने के चांसेस होते हैं। ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, कम ही डालेंगे। इसे पलट कर देख लेंगे। एक बार पलट लेते हैं इसे हम। ये हो चुका है, पूरा सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे थोड़ी देर में। ये हो चुका है, चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम आराम से इसे निकाल देंगे। बहुत ही अच्छा स्नैक्स है ये। ये देखिए तैयार हो चुका है। बाकी के सारे भी हम फ्राई कर लेंगे ऐसे ही। कुरकुरी पनीर रेडी है। इसे आप फ्लेवर्ड मेयोनीज के साथ खाएं, अच्छा लगेगा।